पोस्ट बजट वेबिनार के माध्यम से सरकार बजट को लागू करने में कलेक्टिव ओनरशिप और इक्वल पार्टनरशिप का एक मजबूत रास्ता तैयार कर रही है। इस वेबिनार में आप लोगों के विचार और सुझाव, इसका बहुत महत्व है। मैं आप सभी का इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भारत की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का प्रभाव आज पूरा विश्व देख रहा है। ये बीते 9 वर्षों में भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है। एक समय था जब भारत पर भरोसा करने से पहले भी 100 बार सोचा जाता था। हमारी इकोनॉमी हो, हमारा बजट हो, हमारे लक्ष्य हो, जब भी इनकी चर्चा होती थी तो शुरुआत एक क्वेश्चन मार्क के साथ होती थी और उसका एंड भी एक क्वेश्चन मार्क से होता था। अब जब भारत फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव अप्रोच को लेकर चल रहा है तो एक बहुत बड़ा बदलाव भी हम देख रहे हैं। अब चर्चा की शुरुआत पहले की तरह क्वेश्चन मार्क की जगह विश्वास ने ले ली है और चर्चा के अंत वाले समय में भी क्वेश्चन मार्क की जगह अपेक्षा ने ले ली है। आज भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। भारत आज G20 की प्रेसिडेंसी का दायित्व भी उठा रहा है। 2021-22 में अब तक का सबसे ज्यादा FDI देश को प्राप्त हुआ है। इस निवेश का बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ है। PLI स्कीम का लाभ उठाने के लिए लगातार एप्लीकेशन आ रही है। हम ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कालखंड भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है और हमें ये मौका जाने नहीं देना चाहिए। इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और मिलकर के करना चाहिए। साथियों, आज का नया भारत अब नए सामर्थ्य से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के फाइनेंशियल वर्ल्ड के आप सभी लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। आज आपके पास दुनिया का एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम है जो बैंकिंग व्यवस्था 8-10 साल पहले डूबने की कगार पर थी, वो अब लाभ में आ गई है। आज आपके पास ऐसी सरकार है जो लगातार साहसपूर्ण निर्णय कर रही है। नीतिगत निर्णयों में बहुत ही क्लैरिटी है, कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस भी है। इसलिए अब आपको भी आगे बढ़कर के काम करना ही चाहिए, तेजी से काम करना चाहिए। साथियों,
आज समय की मांग है कि भारत के बैंकिंग सिस्टम में आई मजबूती का लाभ ज्यादा से ज्यादा आखिरी छोर तक जमीन तक पहुंचे। जैसे हमने एमएसएमईज को सपोर्ट किया, वैसे ही भारत के बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स की हैंड होल्डिंग करनी होगी। महामारी के दौरान 1,20,00,000 एमएसएमईज को सरकार से बहुत बड़ी मदद मिली है। इस वर्ष के बजट में एमएसएमई सेक्टर को 2,00,000 करोड़ का एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट भी मिला है। अब ये बहुत जरूरी है कि हमारे बैंक उन तक पहुंच बनाए और उन्हें पर्याप्त फाइनेंस उपलब्ध कराए। साथियों, फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी सरकार की नीतियों ने करोड़ों लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बना दिया है। बिना बैंक गारंटी 20,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुद्रा लोन सरकार ने, ये बहुत बड़ा काम नौजवानों के सपने पूरे करने में सार्थक काम किया है, मदद की है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 40,00,000 से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदारों को पहली बार बैंकों से मदद मिलनी संभव हुई है। आप सभी स्टेक होल्डर्स को कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम करने, स्पीड ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने और स्मॉल एंटरप्राइज तक तेजी से पहुंचाने के लिए भी प्रोसेस को री इंजीनियर करना बहुत जरूरी है और उसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत मदद कर सकती है। और तभी भारत के बढ़ते बैंकिंग सामर्थ्य का ज्यादा से ज्यादा लाभ भारत के गरीबों को होगा, उन लोगों को होगा जो स्वरोजगार करके अपनी गरीबी दूर करने का तेजी से प्रयास कर रहे हैं। साथियों, एक विषय वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता का भी है। ये हमारे लिए चॉइस का मुद्दा नहीं है। महामारी के दौरान हम देख चुके हैं, ये भविष्य को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता का विजन एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता मिशन, इसके लिए देश में एक अभूतपूर्व उत्साह हम देख रहे हैं। इस वजह से घरेलू उत्पादन तो बढ़ा ही है, एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड वृद्धि आई है। सामान हो या सेवा का क्षेत्र, हमारा निर्यात 2021-22 में ऑल टाइम हाई रहा। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, यानी भारत के लिए बाहर ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे में हर कोई ये जिम्मेदारी ले सकता है कि वो स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देगा, वो एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करेगा, अलग अलग समूह, संगठन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, जितने भी व्यापार उद्योग जगत के संगठन हैं, वे मिलजुल करके बहुत सारे इनिशिएटिव ले सकते हैं, कदम उठा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जिला स्तर पर भी आप लोगों का नेटवर्क है, आपकी टीमें हैं, ये लोग
जिले के उन उत्पादकों की पहचान कर सकते हैं जिनका बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा सकता है। और साथियों, वोकल फॉर लोकल की बात करते हुए हमें एक और स्पर्धा रखनी होगी। ये सिर्फ भारतीय कुटीर उद्योग से चीजें खरीदने से कहीं ज्यादा बड़ा है, वरना हम तो दिवाली के दीयों में अटक जाते हैं। हमें देखना होगा कैसे कौन से क्षेत्र हैं जहां हम भारत में ही कैपेसिटी बिल्डिंग करके देश का पैसा बचा सकते हैं। अब देखिए, हायर एजुकेशन के नाम पर हर साल देश का हजारों करोड़ रुपए बाहर जाता है। क्या इसे भारत में ही एजुकेशन सेक्टर में निवेश करके कम नहीं किया जा सकता? एडिबल ऑयल मंगाने के लिए भी हम हजारों करोड़ रुपए बाहर भेजते हैं। क्या हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं? ऐसे सभी सवालों का उत्तर आप जैसे अनुभवी फाइनेंशियल वर्ल्ड के लोग उसका सटीक उत्तर दे सकते हैं, रास्ता सुझा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस वेबिनार में इन विषयों पर भी गंभीरता से जरूर चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी एक्सपर्ट जानते हैं कि इस साल के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम गतिशक्ति की वजह से प्रोजेक्ट की प्लानिंग और उसे लागू करने में अभूतपूर्व तेजी आ गई है। हमें अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज और इकोनॉमिक सेक्टर्स के प्रगति के लिए काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना होगा। मैं आज देश के प्राइवेट सेक्टर से भी आह्वान करूंगा कि सरकार की तरह ही वो भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, ताकि देश को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। साथियों, बजट के बाद टैक्स को लेकर के भी काफी बातें होती रही है। एक समय तो हर तरफ यही बात छाई रहती थी, मैं भूतकाल की बात करता हूं, कि भारत में टैक्स रेट कितना ज्यादा है। आज भारत में स्थिति बिल्कुल अलग है। जीएसटी की वजह से, इनकम टैक्स कम होने की वजह से, कॉरपोरेट टैक्स कम होने की वजह से भारत में टैक्स बहुत कम हुआ है। वो बर्डन नागरिकों पर बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट भी है। 2013 और 14 के दरमियान हमारा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू करीब 11 लाख करोड़ था। 23-24 के बजट में अनुमानों के मुताबिक ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू अब 33 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। ये बढ़ोतरी 200% की है। यानी भारत टैक्स का रेट कम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद टैक्स का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। हमने अपना टैक्स उस टैक्स बेस को भी बढ़ाने की दिशा में काफी कुछ किया है। 2013-14 में करीब 3.5 करोड़ इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न फाइल होते थे। 2020-2021 में ये बढ़कर 6.5 करोड़ हो चुका है। साथियों, टैक्स देना एक ऐसा कर्तव्य है जो सीधे सीधे राष्ट्र निर्माण से जुड़ा है। टैक्स बेस में बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि लोगों को सरकार पर भरोसा है और वो मानते हैं कि जो टैक्स वो दे रहे हैं
उसे पब्लिक गुड के लिए ही खर्च किया जा रहा है। उद्योग जगत से जुड़े होने के नाते और इकोनॉमिक आउटपुट के सबसे बड़े जनरेटर के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि टैक्स बेस की बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया जाए। आपके सभी संगठनों ने, आपके सभी मेंबर्स को इस विषय में लगातार आग्रह करते रहना चाहिए। साथियों, भारत के पास ऐसे टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेटर्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को टॉप पर पहुंचा सकते हैं। इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में भारत आज जिस तरह के प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है वो पूरी दुनिया के लिए मॉडल बन रहा है। जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने भारत के दूर सुदूर में रहने वाले छोटे दुकानदार को भी सरकार को सीधे अपना सामान बेचने का सामर्थ्य दिया है। भारत जिस तरह डिजिटल करेंसी में आगे बढ़ रहा है वो भी अभूतपूर्व है। आजादी के 75वें वर्ष में डिजिटल तरीके से 75,000 करोड़ ट्रांजैक्शन, ये बताता है कि यूपीआई का विस्तार कितना व्यापक हो चुका है। रुपए और यूपीआई सिर्फ कम लागत और अत्यधिक सुरक्षित टेक्नोलॉजी पर नहीं है बल्कि ये दुनिया में हमारी पहचान है। इसे लेकर इनोवेशन की अपार संभावनाएं हैं। यूपीआई पूरी दुनिया के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बने। हमें इसके लिए मिलकर के काम करना है। मेरा सुझाव है कि हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें फिनटेक के रीच को बढ़ाने के लिए उनके साथ ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप भी करनी चाहिए। साथियों, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई बार बहुत छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा असर होता है। जैसे एक विषय है, बिना बिल लिए सामान खरीदने की आदत। लोगों को लगता है कि इससे हमारा तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है, इसलिए वो अक्सर बिल के लिए पूछ भी नहीं करते। जितना ज्यादा लोगों को यह पता चलेगा कि बिल लेने से देश का फायदा होता है, देश प्रगति के राह पर जाने के लिए ये बहुत बड़ी व्यवस्था विकसित होती है, और फिर देखिएगा लोग आगे बढ़कर के बिल की मांग जरूर करेंगे। हमें बस लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। साथियों, भारत के आर्थिक विकास का फायदा हर वर्ग तक पहुंचे, हर व्यक्ति को मिले, आप सभी को इस सोच के साथ ही काम करना चाहिए। इसके लिए हमें वेल ट्रेन प्रोफेशनल्स का एक बड़ा पूल भी तैयार करना होगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी ऐसे हर फ्यूचरिस्टिक आइडियाज पर विचार विस्तार से चर्चा करें। मुझे पूरा भरोसा है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड के आप लोग, जिनके माध्यम से देश में बजट के कारण एक सकारात्मक वातावरण पैदा हुआ, आपने बजट की भूरी भूरी प्रशंसा की, अब हम सबका दायित्व है कि इस बजट का मैक्सिमम लाभ देश को कैसे मिले, समय सीमा में कैसे मिले, एक निश्चित रोड मैप पर हम कैसे आगे बढ़े। आपके चिंतन मंथन में से वो जरूर रास्ता मिलेगा, वो जरूर नए नए इनोवेटिव आइडियाज मिलेंगे, आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज मिलेंगे जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत काम आएंगे। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।